हेलो डियर मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो आपको इस बात का पता ही होगा कि सिजेरियन डिलीवरी में रिकवर होने में नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें पेट पर कट लगाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो सी सेक्शन के बाद पूरी तरह से रिकवर होने में कम से कम 3 महीने तक का टाइम लग जाता है। इसमें लेडीज़ को ज़्यादा ध्यान रखने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि लापरवाही करने से टांकों में इंफेक्शन हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सी सेक्शन के बाद हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए जिससे कि रिकवरी जल्दी हो सके। तो सबसे पहली बात जिसका आपको खास ध्यान रखना है कि डिलीवरी के एटलीस्ट 15-20 दिनों तक आपको टांकों पर पानी नहीं लगने देना है। डिलीवरी के कुछ टाइम बाद तक आपको टांकों का खास ध्यान रखना है, आपको उन पर पानी नहीं लगने देना है, क्योंकि ऐसा होने से टांकों को सूखने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप नहाते टाइम इस बात का खास ध्यान रखें और नहाते समय टांकों को पानी से बचाने के लिए आप वाटर प्रूफ बैंडेज का यूज़ कर सकती हैं और आप नहाने में भी ज़्यादा टाइम ना लगाएं। दूसरी बात जिसका आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आपको स्टिचेस वाली जगह के आसपास कोई रेडनेस, स्वेलिंग या फिर वहाँ से किसी तरह का कोई फ्लूड निकल रहा है तो आप इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि इसे इग्नोर करने से बैक्टीरिया फैल सकता है और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो ऐसे में आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसे ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स ले लें। नेक्स्ट है, डिलीवरी के एटलीस्ट 3 महीने बाद तक आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके पेट पर जोर पड़े। अक्सर ऐसा होता है कि पेट के ऊपर के स्टिचेस हमें ठीक लगने दिख जाते हैं, लेकिन पेट के अंदर के स्टिचेस को ठीक होने में कम से कम 3 महीने तक का समय लग जाता है। तो ऐसे में आप इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि हैवी वेट उठाने से आपके पेट पर जोर पड़ सकता है, जिस वजह से आपके पेट में दर्द हो सकती है और इनर स्टिचेस के खुलने का भी पूरा खतरा रहता है। नेक्स्ट है, डिलीवरी के कुछ टाइम बाद तक आप सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने से एक तो पेट पर जोर पड़ता है, दूसरा काफ़ी थकान भी हो जाती है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि डिलीवरी के कुछ टाइम बाद तक आप सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद आपको जंक फूड और तला भुना खाना खाने से बचना है, क्योंकि ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा और आपको रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे में आप घर का बना सिंपल सादा खाना ही खाएं। आप अपनी डाइट में कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स को इंक्लूड करें। ये सभी चीज़ें आपको जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेंगी, तो इसलिए आप एक हेल्दी और बैलेंस डाइट ही खाएं। नेक्स्ट है कि आप जितना हो सके वायरसेस और बैक्टीरिया से बच कर रहें। डिलीवरी के बाद इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, तो ऐसे में अगर आपको वायरल हो जाता है तो छींकने या फिर खांसने से आपके पेट पर जोर पड़ेगा, जिससे कि आपके पेट में दर्द हो सकती है। तो ऐसे में आप डिलीवरी के बाद जितना हो सके उतना कोशिश करें कि बीमार होने से बचें। अगली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे आपके पेट में गैस बने या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी तो फ्रेश होने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, जिससे आपके पेट पर जोर पड़ेगा, जो कि आपके स्टिचेस के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में आप अपने डाइट में फाइबर को इंक्लूड करें और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। तो आप थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपको इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। अगली बात जिसका आपको खास ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद आपको एक्सरसाइज करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं डिलीवरी के कुछ टाइम बाद से ही दोबारा से फिट होने के लिए या फिर पतला होने के लिए एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करना ही चाहती हैं तो आप वॉक कर सकती हैं। वॉक में भी आपको ज़्यादा नहीं चलना है, आप अपने रूम में ही थोड़ा बहुत वॉक कर सकती हैं। तो कोशिश करें कि डिलीवरी के कुछ टाइम बाद तक आप एक्सरसाइज ना करें। अगली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद आप बच्चे को अपने पास ही सुलाएं, क्योंकि छोटे बच्चे को बार बार उठकर फीड करवाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर बच्चा आपके पास ही सो रहा होगा तो आपको बच्चे को फीड करवाने के लिए बार बार उठना नहीं पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के अलावा आप किसी भी बात का स्ट्रेस ना लें। अक्सर ऐसा होता है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद लेडीज़ ये सोचती हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुई, या फिर वो अपने पेट पर लगे स्कार को देखकर परेशान हो जाती हैं। लेकिन आप ऐसा ना सोचें,
सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी आप जल्दी रिकवर हो सकती हैं और अपनी लाइफ को वापस से नॉर्मल कर सकती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सिजेरियन डिलीवरी के बाद अपना ध्यान रख सकती हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।